नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 के इंग्लिश की बुक सन साइन का एक स्टोरी, और वो स्टोरी है एंड्रुकल्स एंड द लायन। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स, हम लोगों को हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। डू यू थिंक एनिमल्स कैन ऑल्सो बी आवर फ्रेंड, क्या तुम सोचते हो कि जानवर भी हमारे दोस्त हो सकते हैं? हैव यू एवर हर्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन एंड वाइल्ड एनिमल, क्या तुमने कभी सुना है कि किसी आदमी और जंगली जानवर की दोस्ती के बारे में? द फॉलोइंग स्टोरी विल लेट यू नो, ये जो नीचे जो स्टोरी दिया गया है ये तुम्हें बताएगा। लेट्स लिसन, रीड एंड एंजॉय, आइए हम लोग सुने, पढ़े और एंजॉय करें। Androcles was a Roman slave. Androcles एक रोम का गुलाम था, slave means गुलाम। His master was very cruel. उसका जो मालिक था बहुत क्रूर था। तो ये master का means हो गया मालिक, और cruel means क्रूर। Once he escaped from his cruel master. एक बार वह अपने क्रूर मास्टर के पकड़ से भाग गया। Escaped means भाग गया। He started living in a jungle. वह जंगल में रहने लगा। One day he saw an injured lion. एक दिन उसने एक घायल शेर को देखा। A thorn was stuck in his paw. एक कांटा उसके पंजे में लग गया था, सट गया था। थॉर्न मींस कांटा, पॉ मींस पंजा। इट वॉज क्राइंग इन पेन, वो दर्द से कराह रहा था, रो रहा था। पेन मींस दर्द। The kind Androcles took out the thorn. वो जो दयालु Androcles था उसने उस कांटे को निकाल दिया। Took out means निकाल दिया। The lion got rid of its pain. शेर को उस दर्द से छुटकारा मिल गया। Got rid of means छुटकारा मिल गया। The lion became a friend of Androcles. वह शेर उस Androcles का दोस्त बन गया। They lived together in the jungle. वे साथ साथ जंगल में रहने लगे। Together में साथ साथ। The emperor's men recaptured Androcles. राजा के लोगों ने एंड्रोकल को फिर से पकड़ लिया। रिकैप्चर्ड मींस फिर से पकड़ लिया। ही वॉज पनिश्ड फॉर स्केपिंग, और भागने की उसको सजा दी गई। पनिश्ड मींस सजा दी गई। एंड्रोकल्स वॉज थ्रोन इनसाइड अ रिंग टू बी ईटन बाय अ लायन। एंड्रोकल्स को एक बाड़े में डाल दिया गया। रिंग मींस यहां बाड़ा है, और किस लिए डाल दिया गया? एक शेर को खाने के लिए उसको बाड़े में डाल दिया ताकि शेर उसको खा जाए। द एम्परर एंड मेनी पीपल गैदर टू वॉच द फियरफुल सीन, राजा और बहुत सारे लोग उस भयानक सीन को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। A hungry lion came into the ring. एक भूखा शेर उस रिंग में आया।
इट रोएड लाउडली, वो जोर से दहाड़ने लगा। ये रोएर का अर्थ होता है शेर की जो आवाज होती है दहाड़ना। सडनली अचानक द लायन वॉक स्लोली टुवर्ड्स एंड्रोकल्स, शेर एंड्रोकल्स की ओर धीरे धीरे गया। स्लोली मीन्स धीरे धीरे। इट बेंट डाउन लो एंड स्टार्टेड लिकिंग एंड्रोकल्स फीट, वो धीरे से वो नीचे झुक गया और एंड्रोकल्स के पैरों को चाटने लगा। बेंट डाउन मतलब झुक गया और लिकिंग मतलब चाटने लगा। एंड्रोकल्स ऑल्सो हग्ड द लायन, एंड्रोकल्स ने भी उस शेर को शेर से लिपट गया, गले लग गया। इट वॉज द सेम लायन दैट ही हैड हेल्प्ड इन द फॉरेस्ट, यह वही शेर था जिसकी सहायता उसने जंगल में की थी। द एम्परर एंड द पीपल वेयर शॉक्ड एट दिस स्ट्रेंज सीन, इस स्ट्रेंज सीन को देखकर, इस विचित्र सीन को देखकर वो राजा और लोग बहुत अचंभित हो गए, शॉक्ड हो गए। स्ट्रेंज मतलब विचित्र। द एम्परर आस्क्ड एंड्रोकल्स द रीजन, एंड्रोकल्स उस बादशाह या राजा ने एंड्रोकल्स से इसका कारण पूछा। द एंड्रोकल्स एंड्रोकल्स एक्सप्लेन द होल स्टोरी, एंड्रोकल्स ने पूरी कहानी समझा दिया, एक्सप्लेन विद समझा दिया। द एम्परर वॉज इंप्रेस्ड, राजा बहुत प्रभावित हुआ। एंड्रोकल्स वॉज पार्डन्ड and the lion was also set free, एंड्रोकल्स को क्षमा कर दिया गया और शेर को भी छोड़ दिया गया। पार्डन मीन्स होता है क्षमा करना, तो पार्डन का ये यहां पास्ट है, पार्डन यानी क्षमा कर दिया गया। तो ये थी कहानी एंड्रोकल्स एंड द लायन। इसमें कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं, इनका भी मीनिंग बता दे रहा हूं। फिर से मैंने स्टोरी में तो बताया है, फिर से बता दे रहा हूं। पनिस्ट, ये पनिस का पास्ट टेंस है। पनिस मतलब सजा देना, पनिस्ट मतलब सजा दिया गया। एम्परर राजा या बादशाह जो कहे। इंप्रेस्ड, तो इंप्रेस का ये पास्ट टेंस है। इंप्रेस मतलब प्रभावित करना, तो इंप्रेस्ड हो गया, प्रभावित किया या प्रभावित हुआ। एस्केप मतलब बच के भागना। एक्सप्लेन्ड, तो एक्सप्लेन का अर्थ होता है समझाना, तो इसका ये पास्ट टेंस है एक्सप्लेन यानी समझाया। हग्ड, तो यहां पर जो ये है हग का, हग का पास्ट, हग मतलब होता है गले लगाना, तो हग यानी गले लगाया। तो आशा है ये स्टोरी आपको पसंद आया होगा। इसका जो क्वेश्चन आंसर है ये मैं अगले पार्ट में एक अलग वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।